दोस्तों आज हम बात करेंगे एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के बारे में जिसे इस जॉनर की सबसे बेहतरीन फिल्म्स में से गिना जाता है। मैं बात कर रहा हूं 2001 में आई फ्रेंच फिल्म अमेली के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है जॉन पियर जूनेट ने। इसमें मेल लीड्स निभाए हैं और ट्रेट ऑटो, मैथ्यू कैसोविट्स, रूफस लोरेला क्रेवोटा, सर्ज मलिन ने। पहले मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा, फिर हम थोड़ी बात करेंगे इसके टाइटल के बारे में, उसके बाद जानेंगे कि इस फिल्म में हमें क्या सीखने को मिलता है और आखिर में बात करेंगे इसकी एंडिंग के बारे में। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले, इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये कहानी है अमेली पुला की, जिसका जन्म हुआ फरवरी 1974 में और उसे पाला उसके कुछ अजीब सा व्यवहार करने वाले पेरेंट्स ने, जिनका ये मानना था कि उसके दिल में कुछ दिक्कत है। हालांकि ऐसा नहीं था और इसी के चलते उन्होंने उसे घर में ही पढ़ाने का फैसला लिया। अपने अकेलेपन का सामना करने के लिए अमेली ने एक्टिव इमेजिनेशन का सहारा लिया। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड के कंटेंट्स एक इमेज या नैरेटिव की तरह आपके सामने आते हैं, जैसे वो बादलों में रैबिट और टेडी बियर को देखती है और इन्हीं चीज़ों की वजह से उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब सी हो गई है। जब अमेली की उम्र 6 साल थी, उसकी माँ एमेंडिन की मौत हो गई थी जब एक कनेडियन टूरिस्ट ने चर्च की छत से सुसाइड के लिए छलांग लगाई और वो सीधा उसके ऊपर गिर गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके पिता रफायल, जो कि समाज से वैसे ही दूर रहते थे, उनकी ये हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। अमेली ने 18 साल की उम्र में घर छोड़ा और मनमाते के द कैफे दे तोमोला में वेट्रेस बन जाती है, जिसका स्टाफ और वहाँ आने वाले लोग थोड़े अजीब हैं। कुछ निराशाजनक कोशिशों के बाद वो अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स की सोच को ही अपनी ज़िंदगी से निकाल देती है, अपनी इमेजिनेशन को आज़ाद घूमने देती है और वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढती है। 30 अगस्त 1997 को वेल्स की प्रिंसेस डायना की मौत की खबर सुन के अमेली हैरान हो जाती है। उसकी प्लास्टिक परफ्यूम बॉटल का ढक्कन गिर जाता है और वो लुढ़कता हुआ एक टाइल से टकराता है, जिससे वो टाइल अपनी जगह से निकल जाती है। और जब अमेली उसे हटा के अंदर झांकती है तो उसे एक पुराना बचपन की यादों वाला सिगार मेटल बॉक्स मिलता है। इसे उस लड़के ने छुपाया था जो सालों पहले उसके अपार्टमेंट में रहा करता था। अमेली उस आदमी को ढूंढने और उसे बॉक्स को वापस करने की ठान लेती है और यही सोचते हुए वो खुद से वादा करती है, अगर इस चीज़ ने उस आदमी को खुश कर दिया तो वो अपनी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाने के लिए समर्पित कर देगी। अपार्टमेंट के कॉन्सियर्ज और कुछ पुराने किराएदारों से उस लड़के की पहचान के बारे में पूछताछ करने के बाद अमेली तन्हाई पसंद पड़ोसी रेमन रफायल से मिलती है। वो एक आर्टिस्ट है जिसे कमज़ोर हड्डियों की बीमारी है। वो हर साल पियर ऑगस्टे रेनॉर की बनाई गई मशहूर पेंटिंग लंचन ऑफ द बोटिंग पार्टी को रीपेंट करता है। रफायल को उस लड़की का सही नाम याद आ जाता है, ब्रेटोडो। अमेली जल्द ही डोमिनिक ब्रेटोडो नाम के एक आदमी को ढूंढ लेती है और चुपके से उसे बॉक्स दे देती है। उस बॉक्स को पाकर और उसके अंदर अपनी बचपन की यादें देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ब्रेटोडो अपनी दूर हो चुकी बेटी के साथ सुलह करने का और अपने नाती से मिलने का फैसला लेता है, जिसे उसने आज तक देखा नहीं है। ये देखते ही अमेली खुशी खुशी अपने नए मिशन की शुरुआत करती है। अमेली खुफिया तौर पर कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके अपनाती है जिससे उसके आसपास के लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। वो एक अंधे आदमी को मेट्रो स्टेशन तक ले जाती है और साथ ही साथ उसे स्ट्रीट की हर उस जगह की क्वालिटी डिस्क्रिप्शन देती है जहां से वो गुजरते हैं। वो पिता को रिटायरमेंट गिफ्ट में मिले नॉम को गार्डन से चुरा लेती है और उसके ज़रिए वो उन्हें उनके वर्ल्ड टूर के सपने को पूरा करने के लिए एनकरेज करती है। ऐसा करने के लिए वो एक फ्लाइट अटेंडेंट फ्रेंड से नॉम की दुनिया भर के अलग अलग लैंडमार्क के साथ पोज की गई फोटोज अपने पिता के घर पर मेल करवाती है।
वो अपनी हाइपोकॉन्ड्रियाकल यानी अपने शरीर में किसी सीरियस बीमारी होने के डर के अंदर जीने वाली को वर्कर जॉर्जेट और उनके बार के ही एक कस्टमर में से एक जोसेफ के बीच रोमांस शुरू करवा देती है। वो अपने फ्लैट्स के ब्लॉक में रहने वाली मैडलिन वेल्स को मना लेती है कि जिस पति ने उसे छोड़ दिया था उसने सालों पहले अपनी अचानक हुई मौत के कुछ देर पहले ही उसे लव लेटर भेजा था। वो फल बेचने वाले कॉलेजनॉन पर उसे साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके खुद पे ही शक करने पर मजबूर कर देती है। इस चीज़ से वो मेंटली बहुत थक जाता है और अपने चुपचाप और अच्छे नेचर वाले असिस्टेंट लूसियन को अब्यूज करना बंद कर देता है। लूसियन इस बात से बहुत खुश हो जाता है और उसे ग्रॉसरी स्टैंड का चार्ज मिलता है। मिस्टर डुफायर अमेली को ऑब्जर्व करते हुए अपनी लंचन ऑफ द बोटिंग पार्टी की नकल के बारे में उससे बात करना शुरू करता है। हालांकि वो 20 बार सेम पेंटिंग को कॉपी कर चुका है पर फिर भी वो ग्लास में पानी पीती हुई लड़की का लुक ठीक से कैप्चर नहीं कर पाया है। वो इस कैरेक्टर के मतलब के बारे में चर्चा करते हैं और इस बारे में हुई कुछ कॉन्वर्सेशंस के बाद अमेली उस इमेज में अपना अकेलापन प्रोजेक्ट करना शुरू करती है। डुफायल इस बात को समझ जाता है और वो पेंटिंग की उसी लड़की का इस्तेमाल करके अमेली को एक यंग आदमी नीनो क्विन कैंपुआ पर अट्रैक्शन परखने को कहता है जो पासपोर्ट फोटो बूथ से अजनबियों की बेकार फोटोज को कलेक्ट करता है। वो उससे पहले टकरा चुकी होती है पर जब वो उससे दूसरी बार टकराती है तो उसे एहसास होता है कि उसे नीनो से प्यार हो गया है। नीनो से गलती से उसकी कलेक्शन वाली एल्बम गिर जाती है और अमेली उसे उठा लेती है। अमेली नीनो को गुमनाम तरीके से उसकी कीमती एल्बम लौटाने से पहले पेरिस में उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलती है। द टू मुला पे उसके साथ एक मीटिंग अरेंज करने के बाद अमेली घबरा जाती है और अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करती है। उसकी साथी जीना जिसे उसकी काफी चिंता है वो उसके लिए नीनो को आजमाती है और कुछ क्वेश्चंस पूछती है। इस पे जोसेफ कमेंट करता है जिससे अमेली को ये लगने लगता है कि उसने नीनो को खो दिया और वो जीना के पास चला गया। इतने में नीनो उसके दरवाजे के बाहर खड़ा होता है पर वो दरवाजा नहीं खोलती। उसे डुफायल कॉल करता है। वो उसे बेडरूम में जाने के लिए कहता है जहां वो उसे वीडियो मैसेज के जरिए कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, इसे छोड़ना मत वरना तुम्हारा दिल भी मेरी हड्डियों की तरह कमजोर हो जाएगा। इससे अमेली को एनकरेजमेंट मिलती है और वो नीनो को अंदर आने देती है। वो दोनों साथ में एक रोमांटिक रात बिताते हैं और ये उनकी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। लास्ट में हम उन्हें बाइक राइड लेते हुए देखते हैं और अमेली को आखिरकार अपने लिए खुशियां मिल ही जाती हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इसके टाइटल के बारे में। अगर हम इस फिल्म के फ्रेंच टाइटल की तरफ देखें तो इसका इंग्लिश मतलब निकलता है द फैबुलस डेस्टिनी ऑफ अमेली पुलां, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखते हैं तो उसमें सिर्फ हमें अमेली लिखा हुआ मिलता है। इसका फ्रेंच टाइटल इस फिल्म के जादू को इंग्लिश टाइटल के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से बाहर लाता है क्योंकि ये फिल्म है ही इस बारे में कि अमेली की ज़िंदगी वाकई कितनी फैबुलस है। और ये अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा काम कर रही है पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो दूसरों के लिए अच्छा काम कर रही है, उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर ला रही है और खुद अपने कंफर्ट जोन और अकेलेपन की जिंदगी से बाहर आ रही है। तो टाइटल में की गई इन बातों के बाद हम इन्हीं चीज़ों को और अच्छी तरह समझेंगे और उन तीन चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो ये फिल्म हमें अच्छी जिंदगी जीने के लिए सिखाती है। सबसे पहली चीज़ है कि आम चीज़ें ही अच्छी हैं। ये फिल्म और इसके किरदार आम जिंदगी की खूबसूरती गहराई को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। फिल्म की शुरुआत में अमेली आइसोलेटेड होती है पर लोनली नहीं होती। वो अपना टाइम लोगों को देखने में, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने में, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने में, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने में निकाल देती है, जैसे अनाज की बोरियों में हाथ डालना ना वगैरह वगैरह। हमारी जिंदगियां भी अमेली की तरह ही काफ़ी रंगीन होगी अगर हम भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले एक्सपीरियंसेस में खुशियां ढूंढें। परेशानी ये है कि हम सबकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं पर अगर हम उन चीज़ों को पसंद करने लगें जो रोज़ हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हम अक्सर आम जिंदगी से ज़्यादा खुश होंगे।
अगर हम सिर्फ बड़ी और कम होने वाली चीज़ों जैसे सैलरी बढ़ना, किसी बड़े काम के लिए पहचान मिलना या महंगे तोहफे मिलने पर ही खुश होंगे तो खुशी के पल कम होंगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, जैसे सूरज की हल्की सी धूप या पक्षियों को उड़ते देखना। अगर हम इन चीज़ों की तरफ गौर करना शुरू करें तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल होने लगेगी। कहानी को फ्रेम करने के लिए अमेली के द्वारा इस्तेमाल किए गए मोन्टाजेस एट दिस मोमेंट, यानी हर पल में जीने के इफेक्ट के बारे में सोचिए। जब मूवी में हमें मोनमार्ते की स्ट्रीट में एक नीली मक्खी के उतरने के बारे में बताया जाता है और रेस्टोरेंट में हवा में उड़ते हुए दो ग्लासेस के बारे में बताया जाता है, तब हम पूरे फ्रांस के बजाय सिर्फ उस फ्रांस में बंद कर रह जाते हैं जो अमेली देख रही है। उसी तरह से हम भी अपनी दुनिया में सब कुछ होते हुए भी खुद को बांध सकते हैं। पर ये सुनने के बाद एक बात ध्यान देने वाली है, और वो ये है कि भले ही वो हमें ये सब सिखा रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में बड़े सपने नहीं थे। कुछ बड़े सपने उसके भी थे, जैसे जल्दी मरना और लेडी डायना की तरह याद किए जाना। जब भी अमेली ने अपनी आम चीज़ों को सराहने वाली बात से अलग होने की कोशिश की तो वो हमेशा खुद पे दया और ऐसे ही दूसरे ख्यालों में धंसती चली जाती है। दूसरी चीज़ जो ये फिल्म हमें सिखाती है वो है कि आम चीज़ें ही ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। अमेली को एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है कि छोटे इत्तेफाक और घटनाएं भी लोगों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अमेली की तनहा अडल्ट लाइफ भी ऐसे ही कुछ बदकिस्मत इत्तेफाकों का नतीजा थी। फिल्म की शुरुआत में हमें पता चलता है उसके पिता उसे सिर्फ मेडिकल चेकअप के दौरान ही छुआ करते थे, इसलिए जब भी वो अमेली की धड़कन चेक करते थे वो नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ होती थी, क्योंकि उसे ये कॉन्टैक्ट अच्छा लगता था। इस चीज़ से उसके पिता ने गलती से ये समझ लिया कि उसे दिल की प्रॉब्लम है और उन्होंने उसे घर पे पढ़ाने का फैसला लिया, और स्कूल फ्रेंड्स ना होने की वजह से वो अकेलेपन की आदत के साथ ही बड़ी हुई थी। फिल्म में हमें ये भी देखने को मिलता है कि लोग कैसी चीज़ें पसंद करते हैं और कैसी नापसंद करते हैं। नरेटर हमें समझाता है कि ये चीज़ें कोई बहुत बड़ी या ग्रैंड नहीं थी। जो चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में असल में मायने रखती थी वो छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। नीनू छोटी चीज़ें कलेक्ट करता है, जैसे फटी हुई फोटोज, पैरों के निशान, यही चीज़ें उसे लुभाती हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम आम जिंदगी में भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते या फेंक देते हैं। ये कलेक्शन नीनू के लिए बेहद ज़रूरी था और इसी ने उसे अमेली का पीछा करने और उसके प्लान को फॉलो करने पर मजबूर किया, ताकि वो उससे अपनी एल्बम वापस ले सके। ज़्यादातर लोगों के पास नीनू जैसा कलेक्शन नहीं होता, पर यहाँ से ये समझा जा सकता है कि कोई चीज़ जो किसी इंसान के दिल के बहुत करीब हो सकता है किसी दूसरे के लिए उसका कोई महत्व ही ना हो। अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि लोगों के लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, तो शायद हम उनकी उन चीज़ों के लिए गहरी फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं जो पहली नज़र में देखने पर इतनी बड़ी नहीं लगती। ये फिल्म जो तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ हमें सिखाती है वो है अपने कम्फर्ट जोन और रूटीन्स को परखना और कभी कभी उनसे बाहर निकलना। ये फिल्म आम चीज़ों को सेलिब्रेट करती है, पर ये एक जैसे रूटीन और कंफर्ट जोन में फंसे रहने की कमियों की तरफ भी इशारा करती है। रूटीन्स बहुत काम के होते हैं, इनसे ज़िंदगी आसान होती है। ये हमें फॉलो करने के लिए एक पैटर्न देते हैं, हमें पता होता है कि ये चीज़ें काम करती हैं, पर अमेली के किरदारों की तरह ही हम इन पैटर्न्स में फंस कर रह जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि अगर हम अपने रूटीन्स की अनदेखी करें तो हमें डिससेटिस्फैक्शन और पछतावा होता है। डोमिनिक ब्रिटाडो ने एक पैटर्न वाली ज़िंदगी जी जिसमें उसकी बेटी नहीं थी। शायद उसकी ये आदत तब बढ़ी जब उसकी बेटी बड़ी हो रही थी और वो उसे स्पेस देना चाहता था। पर यहाँ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पैटर्न कैसे बना, पर इस बात से पड़ता है कि ये बिना किसी रोक टोक के इतने लंबे समय तक चला कि वो अपने नाती की ज़िंदगी का हिस्सा बनने के सारे मौके मिस कर गया। अमेली ने उसके रूटीन में दखल दिया, उसे उसकी बचपन की यादों वाला सिगार बॉक्स लौटाकर, जिससे उसने अपनी लाइफ को एग्जामिन किया और उस पैटर्न को तोड़ दिया जिससे उसे पछतावा हो सकता था, पर उसने उस वक्त इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था। पूरी फिल्म में हम ऐसे कई सारे कम्फर्ट जोन्स और अलग अलग तरह के पैटर्न्स देखते हैं। अमेली सभी किरदारों के पैटर्न को डिस्टर्ब करती है जिससे वो अपने रूटीन से अलग हटके कुछ करते हैं। ज़्यादातर किरदार इससे बदल जाते हैं।
और पहले से बेहतर हो जाते हैं, और जो किरदार नहीं करते वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा खुश नहीं होते। अमेली हमें ऐसी चीज़ें ट्राई करने के लिए एनकरेज करती है जो हम कभी नहीं करते। हालांकि ये कहना बहुत आसान है कि कुछ नया ट्राई करो, पर यह कुछ नया भयानक भी हो सकता है। तो इसलिए अमेली की तरह ही कुछ ऐसे दोस्त हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए जो हमारी मदद करें। अमेली के पड़ोसी डुफायल ने उसे एनकरेज किया नीनो के साथ रिलेशनशिप के लिए। उसकी साथी जीना ने उसे समझाया कि नीनो एक अच्छा लड़का है। ये बात सच है कि अमेली को दायरे से बाहर आने में कई लोगों की मदद लगी, पर जब वो आई तो उसकी खुशी देखने लायक थी। अब दोस्तों, इसकी एंडिंग से पहले मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है जोरो। जोरो एक तरह से स्पेनिश रॉबिनहुड है जो बदकिस्मत लोगों को उनका बुरा करने वालों से बचा रहा है। जब अमेली कॉलिग्नॉन के घर में कुछ ट्रैप सेट करके उसके अपार्टमेंट से बाहर आती है तो वो खुद को जोरो की इमेज में देखती है, और उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए उसके दरवाजे में जी का ट्रेडमार्क छोड़ जाती है। ये कोई एक शॉट की चीज भी नहीं होती है। हम एक और बार उसे इस रूप में देखते हैं जब वो नीनो की एक पिक्चर सबूत के तौर पर ले लेती है। ये उसका नीनो के सामने रहस्यमय होने का तरीका होता है, पर ये इतना भी रहस्यमय नहीं होता कि वो उसे पहचान ना पाए। जब नीनो कैफे जाता है तो उसे फटाफट पहचान लेता है। इसके अलावा भी हम उसे कई बार उसके सबकॉन्शियस माइंड में जोरो की कॉस्ट्यूम में उसे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इसकी एंडिंग पर। नीनो को मनमार्ते की ट्रिप पर भेजने के बाद भी अमेली उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वेट्रेस जीना नीनो को बताती है कि वो उसे कहाँ मिलेगी, और अमेली को डुफायल से एक स्पेशल वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे कहता है कि अब छुपो मत और जाओ उससे बात करो। तो आखिरकार वो दरवाज़ा खोलती है और उन दोनों की किस के साथ हम अमेली को उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए देखते हैं। हमने यहाँ देखा कि अमेली के अच्छे कामों ने कैसे फिल्म में छोटे किरदारों की ज़िंदगी को अफेक्ट किया। उसके पिता को उनका नोम वापस मिल गया और उन्होंने खुद से एक ट्रिप पर जाने का फैसला किया। ब्रिटोडो ने अपने पोते के साथ चिकन शेयर किया। डुफायल ने नई पेंटिंग शुरू की, और हिपोलिटो नाकाम राइटर ने अपने कहे हुए एक कोट को बैंक्स की स्टाइल ग्रेफिटी में दीवार पर लिखा देखा, विदाउट यू टूडेज इमोशंस वुड बी स्कर्फ ऑफ यस्टरडेज। हमें नहीं पता कि वो किसने लिखा था, अमेली ने या उस ट्रेन कंडक्टर ने जिसके सामने उसने ये कोट फुसफुसाया था। चाहे जो भी हो, पर इस चीज़ ने हिपोलिटो की ज़िंदगी में वो उमंग ला दी थी जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। अच्छा, यहाँ डुफायल की बात आती है तो एक चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो है उसकी पेंटिंग की, द गर्ल विद द ग्लास ऑफ वाटर। एंड आने तक डुफायल ये मान लेता है, आई वॉज टू हार्ड ऑन द गर्ल विद द ग्लास। पर आप खुद ही सोचिए, क्या सच में ऐसा था? अगर उसने ये सब नहीं कहा होता तो अमेली वो रिस्क कभी नहीं ले पाती जो उसने आखिर में लिया, और शायद वो नीनो के साथ होने के बजाय आज भी अकेले ही रह जाती। वो सीधे सीधे अमेली से बात नहीं करता, बल्कि वो पेंटिंग वाली लड़की की बात करते हुए अमेली की बात करता है। यानी कि वो एक दूसरे को सच बताने के बजाय मेटाफोर्स के जरिए बातें करते हैं। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुद को और दूसरों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। शायद रेनोवर की पेंटिंग ने डुफायल और अमेली को उनके बारे में वो चीज़ें बता दी जो वो भी अपने बारे में नहीं जानते थे। अमेली के नीनो के साथ होने के बाद डुफायल को उस लड़की का सही लुक मिल जाता है, और उसे दोबारा उसे पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो किसी नई चीज़ की तरफ बढ़ चुका है, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आखिरी सीन में जब नीनो और अमेली बाइक पर जा रहे होते हैं तो एक पॉइंट पर वो दोनों सीधा कैमरा की तरफ देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो ऑडियंस को देख रहे हों और उनसे पूछ रहे हों कि आज आप किसी दूसरे के लिए क्या अच्छा करने वाले हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी इतने लकी नहीं होते कि हमें अपनी ज़िंदगी में अमेली जैसी कोई डिसेप्टिव फोर्स मिले। इसलिए हमें खुद ही अपनी ज़िंदगी की अमेली बनना होगा और खुशियों को ढूंढना होगा। तो दोस्तों, ये था अमेली का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।